बताओ, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लो और नहाओ नहीं, तो कपड़े चेंज कर लो, नहाओ नहीं तो क्या होगा, सुंदरता आ जाएगी क्या? हैं, कपड़ों की सुंदरता के साथ साथ अपने चेहरे की सुंदरता भी तो होना चाहिए, शरीर की सुंदरता भी तो होना चाहिए। बताओ, कपड़े भी जिसकी बॉडी सुंदर होगी, कपड़े उसी बॉडी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। किस समझ आ रहा ना? हैं, बताओ, खाली कपड़े पहनने से, अगर कपड़े पहनने से सुंदरता बढ़ती है, तो ये जितने भी दुकानों पर वो पुतले खड़े हैं, वो भी सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, तो उनकी सुंदरता क्यों नहीं बढ़ रही? हवा आ जाती, गिर पड़ते हैं, फिर धक्का लग जाता तो गिर पड़ते हैं, फिर क्यों नहीं संभल रहे? तो उससे सुंदरता नहीं बढ़ती। तो अरे, कपड़े के साथ अंदर की सुंदरता भी होना चाहिए। हैं, चेहरे पर आप देख रहे हो, कपड़ों के साथ आप चेहरा भी सजाते सजाते हो, सारा शरीर तो तन तो ढक गया शरीर से, उससे कपड़े से, अब क्या दिखता है? चेहरा। और चेहरे पे सामने वाला इंप्रेस किस चीज़ों से होता है? कपड़े से कि तुम्हारी मुस्कुराहट से? हैं, तुम्हारी मधुर मुस्कान से, तुम्हारे वो जब नहीं बोलते हो तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को देख के वो व्यक्ति खुश होता है, और तुम जब बोलते हो और तुमने अच्छा मीठा बोला, अच्छा बोला, हैं, तो क्या होता है, सामने वाला और ज़्यादा खुश हो जाता है। अब तुम्हारी बोल से और तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे कपड़ों की शोभा भी बढ़ गई, कितनी सुंदर है, लड़की हो चाहे लड़का, कितना सुंदर है। लड़की लड़के को देखे कहती कितना सुंदर है, और लड़का लड़की को देखे कहता कितना सुंदर है। बताओ, तो दोनों चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉम्बिनेशन, राहुल भाई? तो इसलिए जितनी भी ये धर्म की क्रियाएं हैं जो आप मंदिर में करते हो, है ना, ये सब कपड़ा है, इस पर ध्यान देना, ये सब क्या है? कपड़े।